दोस्तों आजकल हर स्मार्टफोन में आपको स्लो मोशन और फास्ट मोशन वगैरह के जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब वो सभी ऑप्शंस क्या हैं, ये आपके कैसे काम आएंगे, ये आपको कैसे वीडियोस बना के दे पाएंगे, ये सभी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, स्लो मोशन या फास्ट मोशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि मोशन क्या होता है या कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कैसे करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी कैमरा, चाहे वो DSLR हो या मोबाइल फोन का हो, वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। कोई भी कैमरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटो खींचता है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता है। वीडियो के लिए वो कैमरा बहुत जल्दी जल्दी फोटोज खींचता है और आपको उनको जोड़ के एक तेजी के साथ ला के दिखाता है, तो आपको लगता है कि ये वीडियो है। अगर मैं बात करूं फ्रेम्स पर सेकंड की, तो देखिए फ्रेम का मतलब होता है एक क्लिक या फिर एक पिक्चर। अगर मैं आपको बात बताऊं फ्रेम्स पर सेकंड की, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं। इसमें कॉमन वेरिएशन है जो हम सभी यूज करते हैं, 30 फ्रेम्स पर सेकंड, जो हमारे सभी मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें हमको देखने को मिलता है। 30 फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब ये कि जो कैमरा है आपका वो एक सेकंड में 30 फ्रेम यानी कि 30 फोटोज क्लिक करता है। उसके बाद में जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप देखते भी उसको 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे ही हैं। 30 फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब होता है जो एक फ्रेम है वो एक सेकंड के 30वें हिस्से में क्लिक किया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्लो मोशन क्या होता है। देखिए स्लो मोशन जो कैमराज होते हैं वो जो क्लिक करते हैं फ्रेम्स वो काफी तेज स्पीड में करते हैं। मोबाइल फोन्स वगैरह में बात करूं तो अगर मैं मिनिमम आपको बताऊंगा तो स्लो मोशन के लिए 100 फ्रेम्स पर सेकंड तो होना जरूरी है। अगर इससे कम होगा तो आपको मजा नहीं आएगा स्लो मोशन वाला। मैं एग्जांपल लेता हूं 120 फ्रेम पर सेकंड का। देखिए 120 फ्रेम्स पर सेकंड में क्या होता है कि जो आपका कैमरा है वो एक सेकंड में 30 की बजाय 120 फ्रेम कैप्चर करेगा, यानी कि 4 गुना फ्रेम्स कैप्चर करेगा। अब जब आप उस वीडियो को प्ले करते हैं तो आप प्ले करते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर, यानी कि कैमरा ने जो एक सेकंड में आपको 120 फ्रेम आपको प्रोड्यूस करके दिए, जब आप प्ले करेंगे तो वो 120 फ्रेम्स को प्ले करने के लिए आपको चाहिए 4 सेकंड, क्योंकि 30-30 फ्रेम्स आप देख सकेंगे। यानी कि अगर आप 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर कोई स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल जो स्पीड है उससे 4 गुना स्लो हो जाती है। आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। दोस्तों ये तो बात हो गई स्लो मोशन की। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने बहुत बार देखा है कि कैमरा में 60 FPS का ऑप्शन भी होता है, तो 60 FPS में आधा स्लो हो जाना चाहिए क्योंकि 30 का डबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 60 FPS को हम बोलते हैं स्मूथ मोशन। इसका मतलब ये कि जो रिकॉर्डिंग है वो 60 FPS पर हो रही है, लेकिन जो प्लेबैक है वो भी 60 FPS पर हो रहा है, यानी आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मैं स्लो हूँ या फास्ट हूँ। दोस्तों अब हम बात करते हैं फास्ट मोशन की। ये कोई कॉमन यूज करने वाला शब्द नहीं है, इसको हम टाइमलैप्स बोलते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो कैमरा है वो अपने फ्रेम्स कैप्चर करता है वो बहुत ही स्लो कर देता है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक सेकंड में 30 फ्रेम्स कैप्चर करता है, स्लो मोशन वगैरह में वो काफी ज्यादा कैप्चर करता है, फास्ट मोशन में वो कम फ्रेम्स कैप्चर करता है। एग्जांपल के लिए आप लीजिए कि कैमरा 2 सेकंड में 1 फ्रेम कैप्चर कर रहा है। अब अगर वो 2 सेकंड में 1 फ्रेम कैप्चर करेगा तो उसको 30 फ्रेम्स कैप्चर करने में लगेंगे 1 मिनट, लेकिन जब वो प्ले करेगा 30 FPS पर तो वो 1 सेकंड के अंदर प्ले हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 मिनट की टाइमलैप्स वीडियो बनाई तो जब वो प्ले होगी तो 1 सेकंड में प्ले हो जाएगी, तो इससे आपको लगेगा कि वीडियो फास्ट मोशन में चल रही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।